कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? उम्मीद है सब बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो आर्केन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये आर्केन्स की सेकंड लास्ट वीडियो शायद हो सकती है अगर मैं अगली वीडियो को दो पार्ट में ना बनाऊं तो। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी। पिछली वीडियो में हमने आर्केन्स ऑफ राजस्थान देखा, अब हम आर्केन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स देखने वाले हैं। ये जो आर्केन्स है ना, आर्केन्स आर एक्सपोज इन बेल्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, हमारे इंडिया का, हमारे भारत देश का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ओडिशा से तमिलनाडु तक, वहाँ पर जो माउंटेन रीजन्स हैं, रेंजेस हैं, 50 to 80 किलोमीटर वाइड हैं जो माउंटेन रेंजेस, वहाँ पर ये रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न घाट्स के आर्केन्स। ठीक है, इन दीज रॉक्स गार्नेट एंड सिलिमेनाइट अकर इन एबेंडेंस। ठीक है, इन रॉक्स में सबसे ज़्यादा गार्नेट और सिलिमेनाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चार्नोकाइट्स जो हैं वो एक इंट्रूसिव रिलेशन दिखाते हैं कॉन्डोलाइट्स के साथ। कॉन्डोलाइट्स यानी चार्नोकाइट जो है कॉन्डोलाइट्स में इंट्रूड कर जाएंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चार्नोकाइट्स की, फिर हम देखेंगे कॉन्डोलाइट्स, फिर हम कॉन्डाइट्स को, क्या है ये, कोड्यूराइट्स, और लास्ट में गोंडाइट्स। मैंने कॉन्डाइट्स बोले, वो गोंडाइट्स था। ठीक है, और हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। तो चार्नोकाइट्स की बात करते हैं। ये कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन नाइसेस रॉक्स रिच इन हाइपरस्थीन। ठीक है, यानी कि जो उनकी ग्रेन्स हैं वो काफ़ी बड़े होंगे, नाइसोस रॉक्स हैं, और इनमें हाइपरस्थीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन देखें इनकी, तो एसिड टू अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन है। इनमें इग्नियस के भी और मेटामॉर्फिक के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। चार्नोकाइट्स में दोनों विशेषताएं कि भाई ये इग्नियस की भी और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज दिखाता है। शोज फोलिएटेड स्ट्रक्चर दिखाता है, यानी उसे हम मतलब फोलिएट का होने का मतलब क्या होता है पता है ना, कि भाई उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स निकलती जाती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये फोलिएटेड स्ट्रक्चर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर ये दिखाता है। एंड इंट्रूसिव रिलेशनशिप विद कंट्री रॉक, जो कंट्री रॉक यानी कि जिस रॉक्स के अंदर ये बना होगा उसके साथ ये इंट्रूसिव रिलेशन दिखाया गया, यानी उसमें ये इंट्रूड हो जाएगा। एसिडिक चार्नोकाइट्स, देखो एसिडिक चार्नोकाइट्स की पहचान ये है कि उसमें ब्लूइश ग्रे ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज दिखेंगे, यानी कि ब्लूइश ग्रे कलर के ग्रेन्स दिखेंगे उसमें, जो कि क्वार्ट्ज के होंगे। तो अगर हमें ब्लूइश ग्रे ग्रेन्स दिखते हैं क्वार्ट्ज के, तो हम कहेंगे ये भाई एसिडिक चार्नोकाइट्स है। अब ये ज़्यादातर ये ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। कुछ माउंटेन रेंजेस का ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवरॉय हिल्स, नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल्स। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो भाई टीएच हॉलैंड ने तो कहा कि भाई ये तो इग्नियस ओरिजिन के हैं रॉक, तो वहीं पर हमारे पीके घोष जी कह देते हैं कि भाई नहीं भाई, ये इग्नियस नहीं, ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो मतलब असमंजस में रहे हैं हमारे जियोलॉजिस्ट भी कि भाई चार्नोकाइट्स हैं तो हैं किस ओरिजिन के। ठीक है, तो पीके घोष जी ने सजेस्ट किया कि भाई दैट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेडिमेंट्स रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इसको कुछ समझ में नहीं है, एंड है। ठीक है, पीके घोष जी ने कहा भाई ये जो हमारे चार्नोकाइट्स रॉक्स हैं ये कैसे बने हैं, ये बने हैं सेडिमेंट्स जो कि रिच हैं आयरन में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, उनकी मेटामॉर्फिज्म से बने हैं ये चार्नोकाइट्स। पिचामुट्टू थे, 1965 में उन्होंने कहा कि भाई चार्नोकाइट जो है दो तरह के हुए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जो चार्नोकाइट्स पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के हैं देख लो भाई, एक है ग्रैनुलेटिक और दूसरा है ग्रैनिटिक। तो ग्रैनुलेटिक की खास बात ये है कि भाई ये हाई मेटामॉर्फिज्म, इनमें हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म देखा जाता है, और ग्रैनिटिक की खास बात ये है कि ये भाई बने हैं ये पैलिंजेटिक फ्यूजन एंड मेटामॉर्फिज्म, पैलिंजेटिक फ्यूजन और मेटामॉर्फिज्म से ये बने हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले कॉन्डलाइट्स। अब ये कॉन्डलाइट्स क्या होता है भाई? गार्नेट सिलिमेनाइट सिस्ट्स को ही हम कॉन्डलाइट्स कहते हैं। गार्नेट सिलिमेनाइट सिस्ट्स आर कॉल्ड कॉन्डलाइट्स। अब इनको कॉन्डलाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये वहां उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर आंध्र प्रदेश की खोंड ट्राइब रहती है, खोंड जनजाति जहां पर रहती है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए इसका नाम
इन रॉक्स का नाम खोंडेलाइट्स रख दिया गया है। ऑफन बैंडेड एंड कंटेन क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड ग्रेनाइट। खोंडेलाइट्स जो है ये अक्सर बैंडेड होते हैं और इनमें क्वार्ट्ज, फेल्सफर और ग्रेनाइट पाया जाता है। कैसे बने हैं ये? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म ऑफ आर्जिलिसियस सेडिमेंट्स, यानी कि आर्जिलिसियस सेडिमेंट्स के प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म से बने हैं हमारे खोंडेलाइट्स। फेल्सपैथिक खोंडेलाइट्स जो हैं इनको माना जाता है कि भाई ये इनका ओरिजिन जो है ग्रेनेटाइजेशन से हुआ है। ठीक है, इनका ओरिजिन ग्रेनेटाइजेशन से हुआ है। ऑन वेदरिंग, जब इनकी वेदरिंग होती है हमारे खोंडेलाइट्स की, तो हमको लेटराइट और बॉक्साइट देते हैं ये, और इनमें ग्रेफाइट डिपॉजिट्स भी होती हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, बाद में है अगला है कोड्यूराइट्स। कोड्यूराइट्स की बात करें तो जो मैंगनीज रिच नाइसेस होती है ना, उनको बोलते हैं कोड्यूराइट्स, KODURITES। ठीक है, मैंगनीज रिच नाइसेस आर कॉल्ड कोड्यूराइट्स। अब ये किस चीज़ के बने हुए हैं भाई? कंपोज ऑफ पोटैश, फेल्सफर, मैंगनीज, गार्नेट, मैंगनीज पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज एंड एपेटाइट से मिलकर ये बने हैं। ये हाइब्रिड रॉक्स हैं जो कि बनते हैं एसिमिलेशन ऑफ मेटामॉर्फोज्ड मैंगनीफेरस सेडिमेंट एंड एसिड इग्नियस रॉक्स, यानी कि जब मेटामॉर्फोज्ड मैंगनीफेरस सेडिमेंट और एसिड इग्नियस रॉक्स का एसिमिलेशन होता है तो उनसे बनते हैं ये हाइब्रिड रॉक्स, जिनको हम कॉर्डियोराइट्स कहते हैं। ठीक है, जब इनकी वेदरिंग होती है तो ये मैंगनीज और डिपॉजिट दे देते हैं हमें। अब आखिर में है हमारे ईस्टर्न घाट्स के गोंडाइट्स। ठीक है, गोंडाइट्स की बात करते हैं। मैंगनीज बियरिंग हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड आर कॉल्ड गोंडाइट्स। ऐसे मैंगनीज जिनमें मेटामॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा हुआ हो उसको कहते हैं गोंडाइट्स। ये अब ये किस चीज़ के बने हैं भाई? कंपोज ऑफ क्वार्ट्स, स्पेसर टाइट, SPESSARTITE। ठीक है, रोडोनाइट एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ एपेटाइट। ये क्वार्ट्स से, स्पेसर टाइट, रोडोनाइट और कुछ परसेंट एपेटाइट से बने होते हैं। फॉर्मिंग का प्रोसेस क्या है? वो है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेडिमेंट्स रिच इन मैंगनीज ऑक्साइड। ऐसे सेडिमेंट्स जो कि मैंगनीज ऑक्साइड्स में, जिनमें मैंगनीज ऑक्साइड रिच होता है, उनका जो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म हुआ तो हमारे गोंडाइट्स बन गए। और ये पाए जाते हैं इन आर्कियन सक्सेशन ऑफ बालाघाट, छिंदवाड़ा एरिया ऑफ MP, जो कि आप पहले से मध्य प्रदेश वाली आर्कियंस की वीडियो में जिस एरिया से आप वाकिफ हैं पहचानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।